का सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया गया, कुछ इसके बारे में कुछ बताइए आप। आज जो सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है वो एक कवाली रिकॉर्ड किया है सूफियाना, जो सर ने बहुत अच्छा कंपोज किया है और सर ने उसे गीतकार प्रोडक्शन सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपका है, अब बहुत ही अच्छी कंपोजिंग किया दादा ने और बहुत अच्छा लिखा उसको। हम सूफियाना कलाम तो नाम है ही, मगर उसको जो नाम है वो है नाते रसूल, जो ये हमने पढ़ी है वो नाते रसूल है। और उसके अंदर जो जिस अंदाज का लिखा है सर ने, उसको बहुत अच्छे से कंपोज़ किया है दादा ने और बहुत मज़ा आया। काफ़ी वक्त लगा रिकॉर्डिंग करते करते, क्योंकि कई चीज़ उसमें कुछ अल्फाजों का खेल जो लिखा है बहुत उम्दा, कुछ आप लोगों को कुछ नया सुनने को मिलेगा। इसके अलावा किस तरह का सॉन्ग है, मतलब कुछ थोड़ा एलैबोरेट कीजिए, कब तक आ जाएगा ये सॉन्ग, इसके बारे में बताइए। देखिए अभी मैंने गाया है, आप मेरे रूबरू आप भी हैं, अब ये सब इनके ऊपर है, ये लोग कब तक रिलीज करते हैं, कब तक मार्केट में आता हो इन लोगों। कितनी तैयारी की, देखा जाए तो कव्वाली आजकल बिल्कुल फिल्म लाइन से या वैसे खत्म होती जा रही है और बहुत दिन के बाद यहाँ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे कव्वाली जी अभी रिकॉर्ड किए, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? आपका बहुत समय पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो ये कोई ऐसा ही मिलता जुलता सॉन्ग आपका सुपरहिट हुआ था शायद, तेरी जवानी बड़ी, ऐसा कुछ जी। तो आज बहुत समय के बाद आपने कव्वाली गाई। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि आपने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा, कव्वाली बहुत ज़माने पहले मैंने अपने वालिद मोहतरम उस्ताद इकबाल साहब रे नफसाद साहब के साथ गाई। और आज क्या है कि इंडस्ट्री में ये तो नहीं बोल सकते कि कव्वाली का दौर नहीं रहा है, कव्वाली का जो चार्म है उसके बिना सब कुछ अधूरा है। आज इतने गाने आप सुनेंगे, कोई भी शक्ल के आइटम सॉन्ग लेंगे, उसका जो रिसाइकल है जो आप उसका कंपोज सुनेंगे वो कव्वाली की धुन पे ही, कोई भी गाना आप जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कव्वाली का अंदाज होता है कि मेरे रश के कमर कमर कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, ये स्टाइल है कव्वाली का। अभी धूम मचा ले धूम, यानी कि अंदाजे बयां अलग कर दिया गया, चल रही है वही रीत जो पहले थी वही अभी तक चलती आ रही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। कव्वाली सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके बिना सब कुछ अधूरा है आज इंडस्ट्री में। मेरा म्यूजिक डायरेक्टर से भी एक सवाल है कि आज जो कव्वाली का म्यूजिक आपने तैयार किया है और गाना भी कंपोज किया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हर महीना आपके 10-5 गाने आते हैं और आज कव्वाली। नहीं, मेरा गाना तो आते ही रहते हैं, बिजी रहते हैं, आप लोग बिजी रखते हैं, हम बिजी हो जाते हैं। कव्वाली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कव्वाली तो अभी आज कल ही मुझे लिरिक्स मिला और ये चैलेंजिंग का मामला था, मैंने 24 घंटे के अंदर इस गाने को किसी भी तरह से इसको रिकॉर्ड करके छोड़ेंगे। फिर सभी सबको फ़ोन किया, इन्होंने बोला था मैं आऊँगा, लेकिन इन्होंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला, आज इनका प्रीतम भाई के साथ कुछ काम था, बोले नहीं आपके गाना गा के ही मैं जाऊँगा, तो आके उन्होंने गाना गा दिया। थोड़ा टाइम लगा, वक्त लगा, और साहब ने रजक साहब ने गाना लिखे हैं और बहुत बढ़िया से हम उसको सजाए काम किए। सर आप क्या कहना चाहिए, किस तरह का सॉन्ग है और कितना मुश्किल रहा इस तरह के सॉन्ग लिखने के लिए? ये वाकईतन मुश्किल वाली ही बात है, और अभी अभी आपने साबरी साहब से कह रहे थे कि कव्वाली ये इतना मुश्किल है जिस पे कर्म हो जाता है सरकारों का, तो ये भक्ति और शक्तियों से भरा हुआ, कर्म और भ्रम से भरा हुआ ये कलाम है। वैसे तो लिखने वालों ने ये नाम पर, मदीने के शहर, मोहम्मद के शहर के नाम पर बहुत सारों ने लिखा है, लेकिन एक बार फिर हम अपने कलम को जुम्बिश देते हुए कागज़ की अंगड़ाइयों के साथ, शही और कलम के साथ इस कलाम को लिखा है। अल्लाह याद बहुत आता है मदीने के शहर में, अल्लाह ही अल्लाह नज़र आता है मदीने के शहर में, तो ये मदीना शहर एक ऐसा है भक्ति के लिए, अकीदतमंदों के लिए, तो आप सरकार हैं, अल्लाह के नबी हैं और उनके ऊपर कलाम लिखना बस की बात नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, ये अल्लाह के महबूब का करम था जो आज हम सब एक जगह पर जमा है, और इतनी बड़ी हस्ती आज इनका मुकाम आला और अफजल है। और हम चाह रहे थे, जब लिख रहे थे तो हमारा ये तसव्वुर था
कि हम लिख तो रहे हैं लेकिन इसको गाएगा कौन। अब जब लिख रहे थे तो तस्वर में हमारे साहब थे एस पी सैन साहब, जो हमारे संगीतकार हैं, हमारे बहुत सारे कलामों को, ये हमारा पहला कलाम नहीं है, बहुत सारे कलामों को आपने संगीत दिया और इनके साथ में रहने वाले गुलकारों ने हमारा साथ दिया। और आज ये हमारा नसीब है सरकार दो आलम का कि हमने लिखा और हमारा इनाम जो है हमारे सामने है। हमारा इनाम जो है, हमारा जो लिखा हुआ इनाम, देखिए जनाब ने बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है कि मैं फिर दोबारा से अल्फाज ये यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत मशहूर कलाम आप लोगों ने, हम लोगों ने बहुत सुना है, मोहम्मद के शहर में, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, तो और आज ये सुना कलाम और मदीने के शहर में, मदीने मैं एक चीज़ कहना चाहता, तो ये दूसरा कलाम जो सर का है मदीने के शहर में, तो एक अपने वालिद मोहतरम का मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ, उस्ताद इकबाल साबरी का, बहुत कुछ सुनने को मिला आज, बहुत अच्छा लिखा है, मगर एक तो बहुत बड़ा कलाम था कि काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, चार मिसरे मैं अपने वालिद मोहतरम के, आईना ए सिफात मोहम्मद का शहर है, बज़्मे तजल्लियात मोहम्मद का शहर है, आप महदूद कर देते हैं कि काबा झुका है मोहम्मद के शहर में, बस वहीं तक इर्द गिर्द है, आईना सिफात मोहम्मद का शहर है, बज़्मे तजल्लियात मोहम्मद का शहर है, महदूद सिर्फ शहर मदीना तलक नहीं, महदूद सिर्फ शहर मदीना तलक नहीं, ये सारी कायनात मोहम्मद का शहर है। अभी कव्वाली और नेक्स्ट गाना हम लोग अगले महीने में करते हैं, 26 ईद का दिन में अपने एल्बम रिलीज हो रहे हैं। अरे भाई ईद का सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, उसके साथ साथ ईद की, तुझे देखा तो ऐसा मुझे लगा कि जैसे मेरी ईद हो गई, तुझे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी ईद हो गई, एक पल में हजारा हज हो गए कि जदो तेरी दीद हो गई। सर जी एक बार फिर से हमें अपने चैनल के लिए भी लेना है। हाँ, तुझे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी ईद हो गई, तुझे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी ईद हो गई, एक पल में हजारा हज हो गए कि जदो तेरी दीद हो गई। सर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अभी जैसे कि आप कह रहे थे कि वालिद साहब का अशआर सुनाए, अब आपके वालिद साहब का जब जिक्र आता है, और इससे पहले जो मोहम्मद के शहर में जो कलाम आया है आप लोगों के सामने, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में वो मशहूर हुआ है वो कलाम, और आपके वालिद का जब भी जिक्र आता है तो रूह के रोंगटे खड़े जाते हैं। आज हम फख्र महसूस करते हैं कि वालिद और फर्जंद अंजुमन सुन रहे साहब, तो वालिद और फर्जंद अंजुमन, तो मैं कह रहा हूँ तो आप अभी आप पूछ रहे थे कि ये कलाम, ये जो भी गीत है किस पे गाया, ये मदीने के शहर में जो कलाम गाया, मैं उसमें का एक अंतरा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अपनी आवाज़ में। जी जी इजाज़त है, बिस्मिल्लाह। वहाँ पर हम मौजूद थे, एक सेकंड साहब, थोड़ा एक सेकंड, वहाँ पर हम मौजूद थे मदीना शहर में, जो मदीना शहर है वहाँ पर मौजूद थे, और सरकार का गुम्बद जिसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब वहाँ का एक आलम हमने नज़रों से उठा लिया है तस्वर की शक्ल में, तो हम अल्फाजी शक्ल में आपको ये बताना चाह रहे हैं, मस्जिद नबीवी का आलम, मस्जिद नबीवी का आलम, आलम तो देखिएगा, मस्जिद नबीवी में है रोज़ा रसूल का, मस्जिद नबीवी में है रोज़ा रसूल का, मस्जिद नबीवी में है रोज़ा रसूल का, रहमत बरस रही है नूरे खुदा पे नूर की, महफिल सजी हुई है फरिश्तों से दरूद की। शर तवज्जो चाहता हूँ सबके लिए पैगाम है, शर व शरारत, शर व शरारत, गुस्ताखियाँ बेअदबी गवारा नहीं है मोहम्मद के शहर में। अल्लाह अकबर, आप सबके लिए रमज़ान की मुबारकबाद के साथ साथ मैं खुद आप लोगों की दुआ चाहता हूँ, चैनल वालों की, और ख़ास कर आज हम फख्र से महसूस कर रहे हैं, एक बार फिर कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ हमारे एस पी सैन साहब हैं, आपकी साहिबा हाजिर है, और हमारे शबाब
साबरी शबाब का मतलब समझते हैं, तो आज हम लोगों के बीच में जो है अल्लाह अकबर अल्लाह, तो शबाबी शबाब है, अल्लाह नूर की रहमत से बरसाए और आने वाला कल इनके लिए और बुलंदियों पर ले जाए। बस अस्सलाम।